सारी बाणा ने राम राम और कहानी बताऊंगा अश्विनी देव और हनुमान जी की कहानी पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। शनि देव जो हनुमान का भगत से उनने क्यों परेशान को नहीं करे इसके बारे में है कहानी। एक वह लंका में जब मेघनाथ को जन्म हुयो तो आकाश में भाई शनिदेव को प्रकोप थो सारा जब उसको जन्म हुयो तो रावण तो शक्तिशाली थो या अच्छो सब देवता पर काबू कर लिए थो तो उसने अपनी शक्ति तेरे शनिदेव कैद कर लियो तो लंका में कैद हो गयो। तो किसे पर प्रकोप कौन डाल सको आपको कैदी बन क्या रह गयो अच्छा मेघनाथ कई साल बीत गया अब देखिए। तो जब हनुमान लंका में गयो उसने सीता ने टोवन खातर अंगूठी देन खातर जब उसने लंका में देखियो के शनिदेव हो रहे तो उस तक पूछे भाई खड़े हो देखे नहीं हो भाई तू कौन है किस तरह कैद हो रहे हो जरूर है उस तक भेंट होगी उसकी हनुमान की। तो बोले मैं तो शनिदेव हूँ अरे मैं उरे मतलब इस मेघनाथ को जब जन्म हुयो तो इस पर लगन खातर आकाश में थो उरे मेरे पर कोप थो फिर अपनी शक्ति थे रावण ने मैं कैद कर लियो जब तो मैं लंका पर के मैं कौन कर सक्यो न तो साढ़े साथी सब कला गए है वो शनिदेव कदे किसे कला जाए कदे किसे कला जाए। तो बोले मैं किसे कला गण भी को नहीं पाए और इसने मैं कैद कर लिए उरा तू मन छुटवा दे उरा थे। तो हनुमान ने वो आज़ाद करवा दियो शनिदेव शनिदेव आज़ाद करवा के न मतलब उसने आपका साथ है पकड़ के नहीं गए छुटवा के उतते हैं सीता नठी दे के न जातो जातो उसने शनिदेव ने ले गयो तो ले जाए कि न ले ही गए और उस तो आज़ाद हो गए शनिदेव है जिस शनिदेव की कोपर कोप लग गया लंका पर और उसका बुरा दिन जब बस शुरू होया था तो कैसे भाई उसको पूरे सबके सारे खानदान खत्म हो गए जब उसके ऊपर कोप लग गया जब शनिदेव को और दुख पाए रहे थो कैद कर रखे तो कितना दिन को बींद रखे थो। तो जब हनुमान ने नहीं बोले हनुमान जी मैं आपको ऊपर खुश हूँ मेरे को वरदान मांग के मांगे को तो नहीं बोले मेरा जो भी भगत तुम्हेंगा कलयुग में जो भी मेरी पूजा पाठ करेंगा अरे जो मन मानेगा उन तू कदे नहीं छेद देगो और जो मन ना मानो उन कचे किसे का लाग जो मन ना मानेगा उसका लागा नहीं गो। तो शनिदेव बोले ठीक से दई तेरा जो भी भगत हूँगा उन मैं कदे नहीं छेद दूंगा। तो जी दशनिवार ने भी हनुमान की पूजा पाठ हो हाँ मंगलवार ने शनिवार उसको दिन हो जाए हनुमान को ए और शनिवार ने हो जाए इसको शनिदेव को तो शनिदेव शनिवार ने भी हनुमान की हुआ है पूजा जिद उसकी जाके नरे गल छोड़ दी मतलब शनिदेव के हनुमान ने छुटवाई हाँ ले आए काट की न्यू कई दिन लेकर गया कई दिन लिकट गया तो भाई जो उसका भगत ना था उन कलाकर न्यू टाइम लिकड़ी गए उसको फिर हनुमान बूढ़ा हो गए जब उनकी सदी बदली होगी राम रूम सब जा लिया तो उसकी भक्ति तो राम की कराया करते वो तो एक दिन समुद्र का किनारे बैठे हो राम ने रटन लाग रहे हो राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम लाग रहे उसने रटन भक्ति करण उसकी उसको भगत था उसकी तो भक्ति कराया करते वो। तो शनिदेव ने सोची तो ये बुढ़ा हो गयो और वह टेम भी जाली कितना दिन हो गया ये भाई आप पर मेरे काबू हो जाए कोई भी जवान को नहीं और शनिदेव जवान तो आके ना हनुमान का दौरा आ गयो देख के उसने बोले हनुमान ये तो तू वर्द हो गयो बुढ़ा हो गयो और मैं ये लागूंगा तेरे। तो हनुमान ने बोले मैं भक्ति करूँ हूँ मेरे भगवान के राम की और तू मन भक्ति कर लेने दे राम का ना लेने दे मेरा हृदय में तो सीता राम है तू जा बोले ना मत लागू साढ़े साथी
लागू भाई 7.5 साल 13 लागू कोई बोले मन्ना को नहीं तेरी जरूरत है। और मेरे मेरे शरीर पर तो उषा को कब्जो है श्री राम को। हाँ, उषा को भगत सुर मेरे तो दिल में ही वह बैठे से तू मेरे कना की के करेगा और के लाग की करेगा जा को मान्यो न्यो लो ना मत लागूंगो तो। अरे बोल तू मेरे कर भी के ले बुढ़ो गए तू ही अनुमान ना बोलियो। हाँ, मैं जवान छू तो नहीं बोले ना मैं तो लागूंगा। हनुमान बोले रे कि मना दे इन बता जा बोलना मत लागूंगा बोल तो ठीक से नहीं बता तू मेरे शरीर पर कित बैठे वो आगे। तो बोले मैं पहले तो बैठूंगा सिर पर 2.5 साल ढाई साल सिर पर बैठ के ना उसका सिर में मतलब बुद्धि खराब करूंगा उसकी। फिर मैं छाती पर बैठूंगा उसका आके भाई उसका शरीर में कमजोरी रे कोई बीमारी कोई इस तरह हो आई जाएगा और बूढ़ो हो रहे हो तू ही मेरे कब कमजोर हो जाएगा उस पर। और बाकी बचा 2.5 साल है जिद मैं पाया बैठूंगा पाया तो कंडम कर दूंगा। तो बोले हनुमान बोले ना हिमानत बैठ से भाई आके आ जा। तो वो आके ना हनुमान का सिर पर बैठ गयो। तो हनुमान ने ठाई अपकी गदा ठाकी गदा और घुमा के बड मारी सिर का। तो वह शनिदेव का लग गई। शनिदेव बोले हनुमान ने न्यू के करा से बोले मेरे सर में खुजली जाला है मैं तो मेरी खुजली मिटाऊंगो मारूंगा मैं तो। उसने फिर मारी फिर बोले हनुमान ने न्यू मेरा मत मैं दुखी हूँ मेरा लग गया है बोले मैं क्या करूँ लागस तो मैं तो मारूंगा मेरे सर मेरा सर और मेरी खुजली चाला है मेरे खुजली मिटाऊंगो बैठूंगा मैं तो। तो फिर न्यू करके न वो नीचा न उतरे आयो छत्ती पर आ गयो सिर ने छोड़ के सिर ने तो न्यू तो मारे कर गो तने वो छत्ती पर आ गयो शनिदेव छत्ती पर आ गयो। तो हनुमान ने छत्ती मारनी शुरू कर दी गदा वो अपना छत्ती मार बोले मत उस सिर में तो खुजली हुआ थी तेरे है छत्ती में क्यों लागे उरे क्यों मारे है बोले मैं राम हाँ उरे मेरे दर्द हो सर मेरे राम जी के जगह है तो मेरे छत्ती में तो वो बैठे ही तेरी जगह थोड़ी है सर और मेरी मेरी छाती में तो मारूंगो मैं तो राम कर सीता को मारो हाँ नौन करके मारो मैं तो छाती मेरी मारूंगा मैं तो उन प्रणाम करूंगा दाते। तब सनी ने सोची उरा तो कोई बात बने तेरी हाँ जी उन तो कौन दे पाया पर पाया मार गयो पाया मार गयो तो पाया का मारने लग गयो बोल मेरे पा दुख है गदा हाँ दबूस पाया ने पाया का मारा गदा दे दे। सनी सनी बोले कि पाया का क्यों मारा बोल पाया ने दबू मेरे पा दुख न्यू कर करके न उस नौ का मारने लग गयो अध मरियो कर दियो सनी अध मरियो करेगा तो पर जा पड़ियो हनुमान का थे पर जा पड़े। तो वो हनुमान का फिर पाया में पड़ गयो हाथ जोड़न लग गयो बोले हनुमान जी मन माफ़ कर दे और मेरी गलती होगी हाँ तेरा ना तो मैं कदे तेरा लागू और ना तेरा कदे मैं भगतां का लागू तेरा जो भी भगत हूँ आनू न मैं जिंदगी में कदे नहीं सिद्धूँ और न्यू करीम मैं तो कति तंग आ लियो तू मेरे इस दर्द ने कम कर दे मतलब गदा लाग लाग की ने और दुखी गदा खा खा के दुखी हो लियो। तो उसने हनुमान ने उस ते तेल दियो हाँ तेल की मालिश कर ले इससे तू ठीक हो जाएगा और आराम होगा वो तेरा तेल ते। जब उस दिन के बाद में हनुमानों की जोत हुआ दो के जोत चास हैं हनुमान की चास तेल की जोत चास है शनिवार शनिदेव की उस दिन के बाद में तेल की जोत चास हैं न्यू भाई वह हनुमान की दियो हो तेल है वो जिद उसको उसको वो तेल की सारा उसने मालिश करी जिद उसका आराम हो तेल की हाँ हाँ चट्टी में भी गला है। तो हनुमान ने दियो थो ना उसने ही तेल वो वरदान दियो हाँ उसके बाद में उसने भाई जो भी उसका भगत था वह भी उनने भी कदे हनुमान की कोई भक्ति करता होगा उसका शनि कदे नहीं लग गए
ना तो शनि सबका न्यूज है, शनि की वाह है, इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि आ रहे है, शनि छा रहे है। क्यों मैं भी किसा का खुटे बो हुआ तो शनि को ना ले दी, शनि आ गयो। अरे तो मंदिर भी बन रहे हैं जगह जगह शनि देव का, जित हनुमान को मंदिर होगो तो शनि देव को भी पाओ, हाँ पाओगे शनि देव को भी मंदिर है, हनुमान को होगो तो शनि देव को जरूर पाओगे। हनुमान शक्तिशाली थो ना तो शनि के छोड़ा ही, शनि जिसका लग जाए उसने के छोड़ा शनि, चाहे लागो वो कितनी बार खातर। एक बार एक सेठ का लाग गया थो, सेठ ना सपना में दिखे रात ना शनि एक मैं आज तेरे लागूंगो, सेठानी नहीं होली भाई, सेठ ने नहीं दावन तड़के उठ के बतावे सेठानी ने मन तो शनि नहीं होली लागूंगो। तो सेठ ने सोची कि तुम ऊपर जंगल में बैठ जाए हूँ जाके, बोले कितनी बार खातर लाग गए, बोले एक घंटा डेढ़ घंटा खातर लागूंगो बस। तो बोले उन्हें सोची कि तो जंगल में जाके बैठ जाऊँ हूँ, अरे उत्ता के मोह आए लेगो किसन को शहदत को बने जंगल में एक लो रूंगो, उत ना मेरे को मारेगो ना मैं किसन केम कूंगो। पर शनि ने बहुत भी कौन छोड़ो कि उसका लागन था, उसका हाथ में खून भी हो गया और उसका गड़ुम्बाल मतलब मतीरा लेके चाले उत टेम रह रहे थो, टेम कौन बेरो कौन पाटे वो टेम रह रहे थो, टेम में उसने मतीरा लिया उनको भी टाट बन गई अदमिया की मानसा ही टाट बन गई। तो शनि छोड़ा को नहीं कि शनि भी किसे कभी लग गया उसका सब बाण भैया ने। राम राम, कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो।